मैं हूं डॉक्टर जी एम चौधरी और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान ने कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां की और आज उनकी वो सजा भी भुगत रहे ये मेरा एक लेक्चर शायद मौजूद है कि तारीख अपने आप को दोहराती है तो जनाब इमरान खान साहब की अगर मैं सबसे बड़ी बड़ी गलतियां गनवाऊँ तो वो दो गलतियां जिनकी वो सज़ा आज भुगत रहे तो एक तीसरी मैं ऐड करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ जनाब सबसे पहली इमरान ख़ान की और सबसे बड़ी गलती क्या है देखिए जनाब इमरान ख़ान साहब की सियासी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ यानी कि उन्होंने लोगों को ये खाब दिखाया कि मैं इस मुल्क में इंसाफ का बोल बला करूँगा जनाब उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था सानिया मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन साढ़े तीन साल तक उनकी हुकूमत रही जिसमें पंजाब में भी उनकी एक ताकतवर हुकूमत थी और उसके साथ साथ वफाक की सतह पर खुद इमरान खान वजीर अजम थे अगर इमरान खान सब चाहते तो हमारा जो जबता फ़ौजदारी है और पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें मुनासब तब्दीलियाँ कर सकते थे और उनसे तो यकीन जनरल बाजवा ने उनको नहीं रोका हुआ था तो उसका नतीजा क्या निकलता कि वो जो सानिया मॉडल टोन था उसके सारे किरदारों को सज़ा मिल सकती थी देखिए कि अगर हकूमत चाहती तो वो पार्लियामेंट के ज़रिए जो जबता फ़ौजदारी है उसमें ये तरमीम कर सकती थी कि जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो डे टू डे बेसिस पर होंगे तो फिर हर कीमत पर जो मॉडल टाउन के जो किरदार थे उनको एक माह दो माह या तीन माह में सजा दी जा सकती थी जबकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट साढ़े तीन साल से ज़्यादा रही तो जनाब इस वक्त इमरान खान साहब भी एक सानिया जमान पार्क के दाने पर मुंह पर खड़े हैं अब देखिएगा कि तारीख किस तरीके से अपने आप को दोहराती है और हो सकता है कि लोग सानिया मॉडल टाउन को भूल जाएं और सानिया जमान पार्क उससे भी बड़ा हो और वो इसलिए होगा कि सानिया मॉडल टाउन के वो करदार जो कि सूबाई सतह पर थे अब उनकी बहुत बड़ी तरक्की हो चुकी है यानी कि उस वक्त के जो वजीर कानून पंजाब थे यानी कि राना नाल्ला जिनके मतलक़ ये कहा जाता है कि वो साने मॉडल टाउन के पीछे थे, वो आज पाकिस्तान के वज़ी दाखिला हैं तो उस वक्त के जो चीफ़ मिनिस्टर थे यानी कि जनाब मियाँ शबाज शरीफ साहब आज वो मुल्क के वज़ी आजम, तो लिहाजा जनाब अब मॉडल टाउन से तो फिर बड़ा ही सानिया होना चाहिए ना, चूंकि उन किरदारों की बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है बहरहाल देखते हैं क्या होता है दूसरी जनाब गलती ये है कि बहुत सारे जो नैब के मुकदमात में सियासतदान और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के मुखालफ सियासतदान थे उन पर भी कड़ा हाथ ना डाला गया और तीजा आज खुद उन्होंने अपनी मर्जी की नैब के कवानीन में तरमीम की और उसके नतीजे में वो सारे के सारे बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी हो रहे हैं और जब आपका दुश्मन तमाम मुश्किल से निकल जाएगा तो फिर यकीन आपको भी तो फिर तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा तो इमरान ख़ान को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए तीसरी बड़ी जनाब इमरान खान की नाकामी जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो ये थी कि इमरान खान साहब की पार्टी का नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जनाब मैं आपको ये बता सकता हूँ बी ए लीगल प्रोफेशनल कि इंसाफ के निजाम को ठीक करने के लिए आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होता जनाब करना क्या था कि मसलन जो पाकिस्तान पिनल कोड है यानी कि मजमू तज़ीर पाकिस्तान उसमें मनासिब तरामीम करनी थी और उसके बाद जो जबा फ़ौजदारी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें तब्दीलियाँ करनी थी अगर फ़र्ज़ करे कि जब्ता फौजदारी में तब्दीलियाँ कर दी जाती और ये कहा कहल लिख दिया जाता कि जो भी ये जो फौजदारी मकदम हैं इनके फैसले तीन माह में होंगे तो यकीनन चले तीन माह नहीं छः माह में हो जाते आठ माह में हो जाते दस माह में हो जाते लेकिन अगर कानून में लिख दिया जाता कि फ़ैसले तीन माह में होंगे तो जो जज फैसला नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी तो यकीनन हमारा इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो चुका होता तो जनाब ये इमरान ख़ान की वो तीन बहुत बड़ी गलतियाँ थी जिनकी सज़ा अब इमरान खान साहब को भुगतना है और इमरान खान साहब एक चीज़ जहन में रखें कि जो उनके दुश्मन हैं वो एक इंतहाई कनेग कस्म के और इंतहाई मजबूत किस्म के दुश्मन हैं वो उनसे ये उम्मीद मत रखें कि वो उनको माफ़ कर देंगे या उनको छोड़ देंगे इसके साथ ही खुदा हाफिन ऐसी मजीद वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन को ऑन करनी ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रबता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं